पापा जी ने देखिए गाजर का जूस निकाल दिया है। बढ़िया, मैं तो सुबह ऑरेंज का पी लिया था पापा जी। इतना नहीं पापा जी, आप भी पियो ना, ये तो बहुत ज्यादा है। बाबू पिएगा? नहीं पीगा। देखा, मुंह पे नहीं पीना। दूसरा गिलास जूस का है मेरा। गाजर, कैलोरीज तो कम होती है गाजर के जूस में पापा जी, बहुत कम, क्योंकि 94 कैलोरीज होती है एक कप गाजर के जूस में। ना 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 पापा जी, आप पियो, और नहीं डालना, यही पी लूं बहुत है। हाँ दे आओ पापा जी मम्मी को। ठीक, ये चीकू मैं ही खा लेती हूँ, इसने तो खाया नहीं। पता है इसको, ये चीकू को ना विहान आलू बोलता है। मेरे पास खुद लेके आया पोलोथीन में से, यहाँ सामने से बोलता आलू खाऊंगा, फिर खाया भी नहीं, छिलवा दिया मुझसे। कल रात को तो एक चीकू खा लिया था, फिर मैंने भी छील दिया। ये देखो ये खा रहा है थोड़े बहुत। दे अंगूर ही खा ले तू, अंगूर ये भी नहीं खा रहा। बोर नहीं चाहिए। आपके कमेंट्स आ रहे थे इस लहंगे के लिए कि ये लहंगा ना लड़कियों वाला है, जैसे 14-15 साल की लड़कियां नहीं पहन लेती। मैं बताऊं आपको ऐसा क्यों लग रहा है इस लहंगे के लिए, क्योंकि ये ना मेरे ऊपर बहुत पतला लग रहा है लहंगा, मतलब हैवी नहीं लग रहा, और मैं खुद हैवी हो रखी हूँ इस टाइम। मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, और लहंगा उस हिसाब से ना, जैसे इसमें कैन वैन का मतलब इस तरीके से आप लगा लो, अगर मैं पतली होती ना, काफी पतली, तो मेरे ऊपर ये लहंगा बहुत अच्छा लगता। तो अभी के लिए मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी फंक्शन में, ये मैंने अभी के लिए रख दिया है संभाल के। ये इसका दुपट्टा था, ये मैं पहनूंगी आने वाले जब महीने दो महीने में, जैसे भी कोई भी आगे जो फंक्शंस होंगे ना, उसमें ये लहंगा सही पहना जाएगा। तब तक मैं वेट कम करूंगी। फंक्शन में ना मैं यही पहनूंगी, यही वाला सूट मैंने आपको दिखाया था ना, स्लीवलेस वाला, जो मैं मना कर रही थी, मतलब कि स्लीवलेस है थोड़ा सा, अभी मेरी हैवी है ये बाजुए, बट कोई बात नहीं, पहन लेंगे, इसे ही कैरी करेंगे, अच्छा लगेगा। ऐसे बेड पे सारे खिलौने लगा के फिर खेलते हैं विहान। देखो अपनी साइकिल भी बेड पे रख रखी है, कार भी, एरोप्लेन भी, बॉल भी, और ये कुत्ता भी, इसको कुत्ता बोलता है, टेडी बियर, और ये जो छोटी गड्डी है ना, सारे बेड पे लगा दिए खिलौने। ये क्या है पापा जी? सब्जी बना के लाया। क्या सब्जी बनाई, देखते हैं हम भी। नया ले लो पापा जी, टिफिन खुलता नहीं है ना, दूसरा है इसका मेरे ख्याल है ना, कुछ अजीब सी दिक्कत है इस टिफिन में। आप पता नहीं किस दिन बहुत बुरी तरीके से कपड़ों पे गिर जाएगी सब्जी। ये देखो, ये भी बोला, देखते ही सब्जी, आलू गोभी की सब्जी है, मटर, हाँ अच्छी बढ़िया टेस्टी सब्जी दिख रही है, इसे हम रख देते हैं यहाँ। और इसमें क्या, डब्बा खाली है? इसमें भी है पापा जी। ये क्या है? अरे वाह, कितना यमी यमी लग रहा है खाना। ये करेले लग रहे हैं ना, हाँ ये देखिए कितने टेस्टी, मतलब साल के कितने कुरकुरे से नहीं लग रहे, बिल्कुल अच्छे से करेले। और ये देखिए चटनी भी, आप मुझे बता देते मैं आ जाती हूँ, रेसिपी की वीडियो बन जाती पापा जी, क्योंकि सब देखना भी चाहते हैं ना आपकी रेसिपी, मैं बना देती। चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये लहसुन की चटनी और करेले की तो मैं वीडियो जरूर बनाती, अगर मुझे पता होता पापा जी बना रहे हैं तो, आपको भी अच्छा लगता ना देखने में। चलो कोई बात नहीं, मैं टेस्ट करूं करके देखते हैं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया पापा जी, बहुत अच्छी है। देखो क्या लेकर आया प्रिंस, ये बस इसमें ऊपर से पैसे डाल लो, नीचे से खोल के निकाल लो। ये तो खाली नहीं होता, खाली नहीं रखते, हाँ इसलिए रख रखा है येलो कलर का सिक्का बना के। चलो आज प्रिंस को ना विहान के सारे खिलौने दिखाते हैं। देखिए विहान के पास ये गड्डी भी है, कैसी है विहान की गड्डी? ये इसने यहाँ से तोड़ दी, देखो बाकी अच्छी थी। और दिखाती हूँ इसके सारे टॉयज आपको दिखाती हूँ, आपको भी खेलना है थोड़ी देर, आप भी खेल लो ठीक है। ये देखो विहान के पास ट्रेन भी है, इस वाली कार को जीप बोलते हैं ना, हाँ, जीप भी है। इसके अलावा देखो ऐसा ऐसा एक और भी है, ये दूसरी वाली है, और ट्रक भी है बाबू के पास, तो मेरे बच्चे के पास देखो कैसा है ट्रक। अच्छा। मम्मी भी आ गए हैं, ही खिलाने लग रहे हैं मम्मी तो आज स्कूबी को, प्यार में दो मट्ठी खिला दी। ये देखो ये भी है हेलीकॉप्टर छोटा सा, ये एक गड्डी ये वाली है विहान के पास। विहान के टॉयज दिखा रही थी मम्मी प्रिंस को।
इसका नाम प्रिंस है। हाँ इसका नाम प्रिंस है। मैंने ना विहान को ना जैसे बाबू को भी काजू दिए, विहान को भी काजू दिए खाने के लिए, बाबू ने अपने खा लिए, विहान ने पता क्या किया अपने मुंह में से निकाल के इधर बाबू के पास जाके कह रहा लो और खाओ और खाओ। मैं कहा कितना दिल है इस बच्चे का ना, मतलब अपने मुंह से भी निकाल के अपना हिस्सा भी किसी और को दे देगा कि नहीं आप खाओ आप खाओ। और आया ना ये बच्चा, जैसे ही आया मैं आपको बताती हूँ, यहाँ ना बेड पे पानी की ये वाली बोतल पड़ी थी पीली वाली, विहान इस बच्चे के पास लेके गया अपने आप, बोलता पानी पी लो मैं पानी पी लो, इसको ये पता है कि कोई बाहर से आया उसे पानी पिलाना है। मैं कहा किसने सिखाया इसको ये चीजें अपने आप कर दी। क्या कर दी बताता तो है, लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपका बेटा अभी तक बताने नहीं लगा। मैं कब बताता है, मेरा अभी शू शू करके आया फिर मेरे को कह रहा खींच खींच के मम्मा शू शू कर दी साफ कर दो, इतना बोलता है, पोटी कर दी साफ कर दो इतना बोल देता है। पापा जी नया झाड़ू लेकर आए हैं प्लास्टिक वाला, और ये 80 रुपए का लेकर आए हैं। मैं सोचा मैं रेट तो आपको बता दूं और दिखा भी दूं। सबसे पहले विहान लगाएगा घर में झाड़ू भाई, दो तो ये देखो जी झाड़ू लगा रहा है। तो ये वैसा जो मैं यूज कर रही हूँ ना ये सेम है, लेकिन ये पापा जी के घर के लिए है, मेरे घर के लिए नहीं। अभी मेरा तो अभी चल जाएगा करीबन कुछ महीने और, मैं बाद में खरीदूंगी। मार दी लाओ दे दो मुझे, कह रहा झाड़ू मार दी। थैंक यू बेटा काम करने लग गए। मम्मी ने देखिए पालक पनीर बनाया है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। पनीर भी घर पे बनाया था दूध फाड़ के, और पालक भी ये देखिए बढ़िया है ना। अब इसमें बस तड़का लगाना रह रहा है, और ये रायता बनाया है पालक का रायता है ये देखिए। यहाँ पिएगा, रहने दे तो ठंडा है थोड़ा, क्योंकि फ्रिज में से निकाला था ना, पी लेती हूँ मैं तो। आज मेरा फेस आपको थोड़ा सा टैन सा लग रहा होगा ना, धूप में बैठी थी अभी, बालों में तेल लगा के बालों में कंघी करी। जब मैं बालों में तेल लगाने लग रही थी ना, तो एक भैया आए थे मिलने के लिए मुझसे, काफी दूर से भिवानी से आए थे, और उन्होंने बोला कि ना उनको ना जैसे एक दो साल से ट्राई कर रहे हैं अपने चैनल को प्रमोट करने की, तो आप ना मेरा चैनल का प्रमोशन कर दो। तो उन्होंने मतलब मेरे से पूछा, बोलते कि अगर आपको पैसे भी लेने होंगे मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो अच्छी नौकरी पे थे, उनकी वाइफ भी अच्छी नौकरी पे है, वो भी अच्छी नौकरी पे अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो वो अपना मतलब काम करना चाह रहे थे। तो अब पता है मैं थोड़ी सी ना, मैंने उनको नंबर तो दे दिया अपना, ठीक है अपना नंबर दे दिया, उनका ले लिया। विहान पर बात करने दे कि मैंने उस टाइम तो एक बार के लिए तो हाँ बोल दिया उनको कि ठीक है मैं एडिटिंग कर दूंगी। मैंने उनका चैनल भी बना के दे दिया उनको फोन में, क्योंकि उनको आता नहीं था, तो क्योंकि उनको पहले भी उन्होंने किसी और से ही बनवाया था। लेकिन यहाँ पे ना अब मुझे बात समझ नहीं आ रही, ये मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि एक टाइम था याद है जब मैं उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा फेमस थी, मतलब फेमस क्या मतलब एकदम से वायरल था मेरा चैनल। उस टाइम मेरे साथ क्या होता था ना, कोई भी अनजान बंदे जिनको मैं जानती भी नहीं, वो मेरे घर मेरा घर ढूंढते हुए आ जाते थे मिलने के लिए मुझसे। और उसके बाद चलो वो अच्छा है कि मतलब देखो चीजें सही चल रही होती थी, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन अगर बाद में क्या होता था कि ना कोई भी ना मतलब कुछ भी बोल देता मतलब अब एक बात बताओ, अब मतलब मेरे साथ ये चीज बनी हुई है कि देखो अगर मैं हूं, कोई भी मेरे से मिला, मिलने के बाद अगर वो चैनल पे मैंने अपने चैनल पे ले लिया उस बंदे को या इंसान को लड़की को किसी को भी, और उसके बाद उसका भी चैनल हो और वो फिर अपने वीडियो में मेरे बारे में अच्छा बोले तो कोई अच्छा बोले, बुरा बोले तो मेरे लिए मेंटल टॉर्चर हो जाता है वो, समझ रहे हो आप वो चीज। क्योंकि मेरे माइंड में रहता है कि देखो ये बंदा मेरे से मिलके गया है तो लोगों को लगेगा वो सच ही बोल रहा है ना। बट लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती कि यहाँ पे ना, क्योंकि लोग बुरी चीजें ज्यादा सुन के खुश होते हैं कि हाँ जब बोलेंगे ना कि हाँ नीति तो ऐसी है वैसी है तो वो मतलब वीडियो खोलेंगे है ना। तो यहाँ पे मैं डर इस चीज से ले रही हूँ कि कल को ऐसा ना हो, क्योंकि देखो मैं उनको भैया को बातों से वो मुझे बहुत शरीफ लगे है ना, उन्होंने बोला आप भी मुझे अपना भैया ही मान लो, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया ठीक है। लेकिन कल को ऐसा ना हो मेरे साथ ये चीज ना हो, क्योंकि मेरे साथ पहले पास्ट में वो चीजें बन चुकी हैं, ठीक है मैं सही चल रही हूँ मेरा काम सही चल रहा है ना। तो कल को ऐसा ना हो कि देखो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि उनका चैनल चलो चल जाए ठीक है, इट विल बी अ पेड प्रमोशन ठीक है। मैंने अपने चार्जेस भी बता दिए, जैसे मैं नॉर्मल प्रमोशन वीडियो करती हूँ ना शैम्पू कंडीशनर का, तो उसमें मैं इतने पैसे लेती हूँ, तो मैंने वही रेट बता दिया कि मैं इतने लूंगी ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि देखो वो भैया है भिवानी से हिसार,
वो आना जाना तो कर नहीं सकते बार बार, उन्होंने कहा कि वो ना जो भी होगा व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मतलब जो भी होगी जैसे ब्लॉग बना के आप एडिट कर देना, ऐसे कर देना, वो कर देना। पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि बाई चांस उनको मेरे पास फोन करना पड़ा, ठीक है काम की वजह से, वो तो काम की वजह से फोन करेंगे, लेकिन कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसको फोन कॉल को कुछ और बोल दिया जाए बाद में कि मैं, क्योंकि देखिए मैं अब मेरे लिए मेरा कैरेक्टर सबसे ज्यादा प्यारा है, और देखिए मैं किसी भी तरीके से ना अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहती, समझ लो वो चीज। अगर मैंने ये बात बोली भैया को भी, ध्यान बात करने दे कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकती हूँ, बट 100% गारंटी नहीं होती है कि हाँ मैं बोलूंगी और वो चीज आपके पास सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे या व्यूज आ जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं, बस मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से, है ना। तो कल को ऐसा ना हो, क्योंकि देखो मैंने तो पेमेंट बताई है कि देखो मैं एक वीडियो में प्रमोशन का इतने रुपए लूंगी, ठीक है अपने चार्ज बताए हैं, लेकिन कल को देखो मेरे अकाउंट में पैसे आए और कल को कोई कुछ भी मतलब बात बना दे कि हाँ इसने पैसे भी लिए, हमारा ये किया वो किया बट काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ भी गलत सलत मेरे बारे में बोला गया, तो मैं कहाँ जाऊंगी ये बताइए। और मैंने अपने चैनल पे किसी और को वीडियो डाला, सोच के देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं कुछ ज्यादा मैंने नहीं बोला, मैंने ज्यादा प्राइस नहीं मांगा बोला है, मैंने डेडिकेटेड के मांगे 3000 रूपए और इंटीग्रेटेड के 2000, मतलब मेरी वीडियो ब्लॉग के अंदर ही अगर मैं 4 मिनट का आपका लूंगी। लेकिन दिक्कत ये आ रही है यार कि मैंने तो उनको भैया बोल के बात कर ली कि वो भैया मान के मैं उनको चलो अपने ब्लॉग में ले लूंगी, वीडियो बना लूंगी, लेकिन दुनिया क्या बोलेगी वो मेरे को देखना पड़ेगा ना, लोग मेरे बारे में, क्योंकि मैं अपने ऊपर वो चीज क्यों लूं, है ना, वो चीज भी डर लगता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आप अगर काम कर रहे हो, तो उस काम से आपकी इमेज पे क्या असर पड़ेगा, कल को आपके कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, आपके बारे में कोई कुछ बात बना सकता है, क्योंकि देखिए कोई किसी को और कोई और बात बनाए तो अलग बात है, क्या पता कोई वो भैया ही अगर मेरे ऊपर वीडियो बनाने लग जाए बाद में कुछ ना कुछ ऐसी वैसी चैनल पे कि हाँ ये ऐसी है वैसी है कुछ भी बोल दे, तो मैं कहाँ जाऊंगी, है ना। और तब तो मैं हर जगह से फंस जाऊंगी, क्योंकि मैंने उनके साथ वीडियो बना रखी होगी ना अपने खुद के चैनल पे, जब वो इंसान मेरे चैनल पे उनकी वीडियो दिखेगी आपको, तो वो अपने चैनल पे कुछ मेरे बारे में कुछ बोले, तो मैं कहाँ जाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने देखा है यार, मतलब हर किसी को देखा है यार, परखा है कि ना, मतलब इस चीज को सोच के ना मैं थोड़ा सा, मतलब मेरी मम्मी सोचे एक बार अच्छे से सोच ले, विचार कर ले, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा स्मार्ट तो हूं नहीं, है ना, बट मैं लेकिन गलत, मतलब किसी पछड़े में नहीं पड़ना चाहती आज के टाइम में, मैं जैसे चल रहा है जो चल रहा है मैं उसमें खुश हूँ, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या मुझे उनके चैनल का प्रमोशन करना चाहिए, या मुझे उनको सिर्फ एक ऑफलाइन थोड़ी सी हेल्प मैंने एक बार एक बता दी एक अच्छे गेस्टर के तौर पर कि ऐसे चैनल कर लो, ऐसे एडिटिंग कर लो, ये कर लो, बस इतना ही रखना करना चाहिए। क्योंकि मैं देखिए मेरे पास खुद के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं फोन कॉल्स पे बहुत ज्यादा कोई बात कर सकूं, कुछ मेरे को बस ये रहता है कि कोई या समझाना, मतलब बहुत, मतलब वो चीजें नहीं होती कि फोन कॉल्स डिटेल्स, कल को मुझे लगता है डर, है ना, कल को 10 मिनट मैंने किसी से कॉल पे बात की, क्योंकि मैं ना पता है ऐसे इंसानों में किसी से भी बात नहीं करती हूं, किसी से भी, आप यकीन मानोगे, अगर 2 महीने अगर मेरे फोन पिछले फोन कॉल्स आप मेरे चेक करोगे ना, उनमें 2 महीने में ना मेरे सिर्फ मम्मी पापा फैमिली उनपे भी कॉल ज्यादा नहीं मिलेंगी, सोचो मेरे फोन कॉल डिटेल्स ही कुछ नहीं मिलेगा, 0 के 0, मतलब कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, सिर्फ अपना काम, अपना बच्चा, अपना यूट्यूब, अपना ट्यूशन, अपने घर को देखती हूँ, अपना बच्चा, मतलब मैं बिल्कुल घरेलू हूँ, बिल्कुल 100%। तो मैं अपने कैरेक्टर पे नहीं, मतलब वो चीज बर्दाश्त कर पाऊंगी कल को, कि कल को कोई मुझे कुछ भी बोले, है ना। तो मैंने तो यही सोचा था उनको भाई बना के लेकर आऊंगी चैनल पे, लेकिन कल को मुझे नहीं पता ना, आज के टाइम में कोई इंसान ही पलट जाए कुछ कुछ का कुछ बोल दे अपनी वीडियोस में, तो वो मुझे लगता है डर। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सलाह दीजिएगा, मैं सोच विचार करके ही उनको आगे प्रोसीड करूंगी, यस और नो बोलूंगी, जैसा होगा मैं बता दीजिएगा। चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।